बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले में क्या गलत है? अगर योगी आदित्यनाथ का यही नारा हर जगह पर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल जमाएंगे, इसमें क्या गलत है? जाति के आधार पर हिंदू ना बटे, ये अगर बीजेपी कहती है तो इसमें क्या गलत है? एक बात मैं बोलूं, चुनाव के दरमियान इन्होंने पोस्टर लगवाए, पोस्टर हटा दिए गए, और चुनाव में धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लोड नहीं करना चाहिए। और गौरव भाटिया बहुत कुछ बोले, गौरव भाटिया जी आपकी हालत यहाँ बहुत खराब है। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ चुनाव में। हाँ और आप जो ये फंडे जो कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, यह संतों की भूमि है, यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव है। यहाँ देखो बहुत बड़े मुद्दे आ चुके हैं, ये बार बार कहते हैं, मेरे ख्याल से गौरव भाटिया तो बहुत ज्यादा कहते हैं। एक तो इनको महाराष्ट्र का कुछ मालूम नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम वसूली सेना है, सोनिया सेना है, हमने हिंदुत्व बेच दिया। देखिए अब जनता में हम गए थे ये सब लेके, ये तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन इनको 2 डिजिट में लाके रख दिया जनता ने। और कहीं भी तो 22 MP आते थे और 70% सीटें हमें मिली। अगर हम कांग्रेस के साथ गए तो जनता चाहती थी, कांग्रेस को तो 17 में से 14 सीट दे दी। अब मैं बताता हूं अरे महाराष्ट्र ब्रेकअप के से बाहर अंदर, निकलिए किशोर जी, आपका तो पार्टी ही ब्रेकअप हो गया। आज शिंदे का साहब मौका लेकर क्या है निकल ये बताइए। लिए, एक आपकी मिनट पार्टी के ही चुने एक हुए लोगों ने कहा मिनट, कि एकजुट ना हो हमें जाए इस डर से हमें मोदी बीजेपी के के साथ लेके। सरकार बनानी है, और हिंदुओं की देखो एकजुटता कैसे नॉन प्रोग्रेसिव है ये बताइए। आप हिंदू एक हृदय मिनट सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं और मैं आप आ कह रहा रहे हैं था कि हिंदुओं की कि एकजुटता में क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट मैं बोल रहा हूं, अजय इज सो बोलिए बोलिए। मोदी। अरे देखो गौरव भाटिया जी, मैंने देखो ये 20 मिनट बोले, मैंने बीच में नहीं बोला। क्योंकि इनके इनको कोई सुनता नहीं है अभी। गौरव भाटिया जी ये सब बातें पुरानी हो गई। अगर मैं कहूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है, पर ये हिंदू राष्ट्र है तो क्या मुसलमानों का कटेंगे बटेंगे चलेगा? अरे मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जी ने सीएम रहते हुए बता दिया कि वो कैसे है। उन्हें प्रोग्रेसिव स्टेट क्या होता है, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। और मैं कहता हूं आपकी इस बात पे मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर हमने गलत किया है कि बीजेपी से साथ छोड़ा करके हिंदुत्व छोड़ दिया, तो जनता ये तय करे, जनता ये तय करेगी। और उद्धव चलिए ठाकरे उत्तर दे दूं अजय जनता देव। में उसी हिस्से जा रहे हैं, मैं बोलता हूं उसी हिस्से जा रहे हैं। और कांग्रेस से हमारा नाता चलिए ये सारी बातें छोड़िए, एक बात का उत्तर दीजिए। अंजना जी एक सवाल बोलिए पूछ बोलिए। लूं। अरे आप एंकर ही बन जाओ ना, चलो बोलो बोलो। किशोर जी रुक जाइए, एक बार रुक जाइए गौरव जी, एक अरे बार मुझे शिंदे गुट से भी एक प्रतिक्रिया लेने जी। कृष्णा हेगड़े जी देखिए, क्या ठीक आपकी पार्टी प्लीज। ऐसे नारों से सहमत है? जरा समझ में तो आए, क्योंकि बीएमसी ने फॉरेन पोस्टर्स होर्डिंग्स हटा दी, इसका क्या अर्थ है? आपको सूट नहीं करता है महाराष्ट्र में योगी जी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे? फिर तिवारी जी देखिए पे बोलने लगे। अंजना तिवारी जी, जी अच्छा हुआ रुकिए आपने ये रुकिए। मुद्दा लिया है, क्योंकि हाँ हेगड़े जी जो सम्माननीय मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र के बारे में बात किया, या फिर सम्माननीय प्रधानमंत्री या सम्माननीय योगी जी ने बात किया, तो ये गर्व की बात है कि सभी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अभी ये पोस्टर का इतिहास बता के आपको चौंका देता हूँ, ये जो व्यक्ति, ये जो कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है, वो 20 साल से कांग्रेस में था और कांग्रेस में काम कर रहा था, और कांग्रेस अभी छोड़कर उसने ये पोस्टर लगाई, तो कांग्रेस के तुष्टिकरण से कितना नाराज होकर ये व्यक्ति ने ये पोस्टर लगाया होगा, अच्छा, आप ये सोच विश्व ही बंधु लीजिए। राय का आप इतिहास बता रहे हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया? हमें भी बिल्कुल यही खबर बिल्कुल मिली कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था कई सालों तक और उसके बाद बीस छोड़कर साल उसने। तक अभी मैं बीस यही साल सही तक बता रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कृष्णा और जी वो कृष्णा खुद जी इतना कृष्णा जी परेशान हो गया है कांग्रेस के तुष्टिकरण की कृष्णा जी राजनीति से कि उसने ऐसे पोस्टर लगाए हैं। तो अभी कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो राजनीति ये चला रहे यहाँ पर औरंगजेब फैन क्लब वाली, तो ये सही है क्या गलत है? दूसरी बार हर लोकसभा, आपने ये लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा कि बहुत सारे
जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी और हम शिवसेना चार चार सेगमेंट में लीडिंग थे, और एक सेगमेंट में ये जो वोट जियाद हुआ है वहां पर लाख सवा लाख वोट एक पर्टिकुलर समुदाय का एक पार्टी के लिए गिरता है, यानी कांग्रेस या उद्धव ठाकरे। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि एनमास वोटिंग एक रिलीजन करती है, और उनका जो उद्देश्य है कि ऐसे जो हमारी पार्टी है उसको ठीक है, जानबूझकर हराए अलग अलग तरीके से। ठीक है। लेकिन और कृष्णा जी, आपने ये नहीं बताया कि पोस्टर्स हटाने क्यों पड़े, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? आप लोग को ठीक नहीं लग रहा था? देखिए, अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, बीएमसी अपना काम कर रही, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही, इसमें ठीक हमारे है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। चलिए गौरव जी, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए। तिवारी जी का, हाँ तिवारी जी कुछ बोल रहे, भाई सुना वो ऑडियो, इतनी देर से बोल रहे थे, उनका ऑडियो ही नहीं आ रहा था। हाँ बोलिए तिवारी जी, क्या अरे हुआ? देखो, मैं बता रहा हूं कि क्या? महाराष्ट्र का चुनाव, हाँ हाँ बीजेपी तो ये मुखौटा है, पर महाराष्ट्र का चुनाव ये 25 लाख करोड़ जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, हाँ उसके लिए किया जा रहा है। तो बीजेपी के मुखौटे के पीछे जो लोग हैं वो लोग किसी भी हालत में ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे वोट तो बहुत लगेंगे। अब और क्या क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन पर हमें तिवारी जो जी, तिवारी जी को दिखाइए हमारे साथ। तिवारी जी, ये बात समझ नहीं आ नहीं, रही है, मैं अब अजीना जी आ जाइए। जनता वोट करती है ना पार्टी के लिए, नेता के लिए तो वोट करती है, तो जनता के वोट को आप लोग इतना बेमानी बना देते हैं कि कोई और है, ये मुखौटा है। अरे जनता को तो समझ में आ रहा है ना कि इसको वोट देना अरे नहीं देना अरे है, नहीं इसी नहीं नहीं जनता ने तुमको मैं दिया ना बात बताऊं, लोकसभा में। 1 मिनट मैं बताता हूं तुमको। कल ही एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार के 15 करोड़ रुपए पकड़े गए, हाँ और इनको कोड ऑफ कंडक्ट में पैसे बांटने का जो प्रोग्राम था वो बंद कर दिया। तो एकनाथ शिंदे बोले कि मैं मेरे घर से दूंगा। अब ये क्या है, इसका मतलब तो इलेक्शन बेचारे में इसका अडानी अच्छा जी की काम कर रहा है। कृपा है, अडानी जी की कृपा है, अडानी अच्छा फैन अडानी क्लब जी के चुनाव लड़ मेंबर रहे है। हैं? अरे अडानी जी की शक्ति से तो हमारी सरकार गिर गई, हमारी पार्टी चले गई। ओहो, ओ तुम है ना, जरा तुम्हारे शरद पत्रकारों को पवार क्यों पूछो मिल तो सही, रहे थे उनसे? शरद आपका पवार क्या के है वो तिवारी दोस्त जी, है। आप तो गजब के हैं वो एकदम। टीवी पे आपने जो मन में आ रहा है तो बोल रहे हैं, मस्ती से ले जा आप रहे जो हैं अपनी बात। बोल रहे हैं अरे मुस्कुराते मैं हुए सच चेहरे बोल रहा से, हूं, सच तो ऐसी बहुत अजमेरा जी बातें मैं होती सच है, बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ, कितना अजमेरा भी जी की बोलिए कि डिफेंस सच कर रही, बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, लेकिन ही इज कुछ वेरी कॉशियस। सब्सटैंशिएट करना पड़ता है सर। जब इस तरह के आप आरोप लगाते हैं तो सब्सटैंशिएट करना पड़ता है, और ये जरूरी है कि आदमी जिम्मेदारी के साथ बात अरे करे। सागर बंगले से ही पैसे बांटे गए ना, अच्छा अभी तो सागर पे बाढ़ आ गई है, सागर पे बाढ़ गौरव आ जी, गई है, 99 सीटें देने के बाद, अनाउंस करने के बाद बाढ़ आ गई है। हाँ बाढ़ गौरव भाटिया, बाढ़ ऐसी आई है कि बबन राव पाजपूते को दिया, उनके औरत को दिया, वो बेटे के लिए आ गए। अरे आपके अब गौरव जी तीसरी तुम जवाब और दो। दूसरी उत्तर दे तुम दूंगा के, गौरव अजीरा जी, जी ये जवाब दो। तो हाँ थोड़ा सा जाती कर रही अब है। तिवारी जी, रुकिए रुकिए, अब थोड़ा जवाब सुनिए, इसके बाद आ रही हूँ रागिनी जी। बहुत दिन बाद आए थे ना तिवारी जी, तो थोड़ा हम लोग भी सोचे, सुन ले क्या क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं गौरव जरूरी जी था, जवाब दीजिए। जरूरी था। ही इज सो नॉटी एंड आई लव हिज स्माइल ऑल्सो। ठीक है ठीक है, ये चलिए नौटी भी मुझे अब मैं गजब बताता लग रहा हूं है। आपको। मालूम है आजकल महाराष्ट्र की क्या खबर है? कभी एक समय होता था मातोश्री में महाराष्ट्र के टिकट बंटते थे, और भारतीय जनता पार्टी सम्मान रखते हुए मातोश्री में बैठक भी करती थी। आज महाराष्ट्र की जनता कह रही है मातोश्री का मतलब सोनिया गांधी, पितोश्री का मतलब शरद पवार, और लाचार श्री का मतलब उद्धव ठाकरे। और मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैंने वीर सावरकर पे व्यक्तिगत सवाल पूछा, हाँ मैं बोलो बोलो, उद्धव सुनता ठाकरे ने हूं। क्या कहा था बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था वीर सावरकर जी का अगर कोई सम्मान नहीं करता है उसे जूतों से मारना चाहिए। अब जनता ये पूछ रही है क्या राहुल गांधी जो उनको माफी वीर कहते हैं उनको चप्पल से मारेंगे उद्धव ठाकरे, अंजना क्योंकि जी मैं यही उनका सवाल ये बयान करूंगी, है। दूसरी बात, आ रही हूँ, आपकी जवाब लीजिए, आप प्रवक्ता जवाब है दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी, अभी रुकिए, प्रियंका चतुर्वेदी इनकी प्रवक्ता है, नेत्री है। उनसे किसी ने पूछा कि आपके सबसे अच्छे नेता आप किसको सबसे सम्मानित नेता मानती हैं?
उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, बाला साहब ठाकरे जी का भी नाम नहीं लिया, उद्धव ठाकरे की तो कहीं गिनती नहीं है, आदित्य ठाकरे का नंबर नहीं आया। उन्होंने कहा श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी आज वो व्यक्तित्व है जो विरोधियों से भी अपनी तारीफ करवा देते हैं। तीसरी बात, संजय राउत का बयान क्या आया, उन्होंने कहा महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है इनमें दम नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो सीधा दिल्ली बात करूंगा हाई कमांड से। अब आप बताइए, अगर संजय राउत बेइज्जती करते हैं कांग्रेस के नेताओं की, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, ये लोग कैसे। जल्दी से सिर्फ एक लाइन का किशोर जी जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को लेकर जिस तरह के मतभेद रहे और उद्धव ठाकरे खुद बहुत अग्रेसिव होते थे कि जो उनके खिलाफ बोलेगा मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए, उसी पर उन्होंने क्या। इसके बाद रागिनी जी मारे, इसके बाद रागिनी जी आऊंगी मैं, इसके बाद रागिनी जी फॉरन आऊंगी। एक देखो, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ। करिए, उद्धव जी को हमारे शरद पवार जी और संजय राउत जी ने राहुल जी को बता दिया कि तुम्हारी जो आदि थी उन्होंने क्या। एक लाइन तो क्लियरली बोली आप तिवारी जी, क्या बोल रहे समझ ही नहीं आता। महायुति के बीच एक खबर आ रही है, महायुति के बीच सीटों पर करीब करीब फैसला तय हो गया है। 156 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में लड़ेगी चुनाव और 78 से 80 पर लड़ेगी शिवसेना और 53 से 54 पर लड़ेगी एनसीपी यानी अजित पवार की पार्टी। तो यहां पर सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है, नंबर्स हमने आपके सामने बता दिए। वही महाविकास अघाड़ी में बार बार नाना पटोले ये कह रहे हैं कि हमारा भी समझौता अब लगभग सभी 280 सीटों पर हो चुका है और इसका ऐलान हम कल तक जरूर कर देंगे। इस बाबत महाविकास अघाड़ी से भी खबर आ रही है, बैठक से पहले उद्धव से मिले हैं बाला साहब थोराट और ये महाविकास अघाड़ी में शरद पवार से भी बाला साहब थोराट की मुलाकात हुई है, यानी दोनों ही खेमों में। अब महायुति ने इसमें लेकिन बाजी मार ली है, सीटों का जो बंटवारा था वो हो गया है लेकिन दूसरी तरफ सीट फुट अव्वल अब भी महाविकास अघाड़ी में। हालांकि नाना पटोले हो, एनसीपी के नेता हो, सभी नेताओं ने खुलकर कहा है कि हम लोग एक या दो दिन में सीट के समझौते पर आ जाएंगे। तिवारी जी प्लीज एक लाइन में क्लैरिटी से बताइए, वीर सावरकर को लेकर क्या स्टैंड है, जो उनका प्रश्न था वो सीधा है ना कि उद्धव जी कहते हैं जो उनके खिलाफ बोले उन पर उनके साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए और इधर। एक मिनट में बात कर रहा हूँ जल्दी। हमारे लिए स्वतंत्र वीर सावरकर ये श्रद्धेय है और उनको भारत रत्न देना चाहिए। इसके लिए 10 साल से हम हिमायत कर रहे हैं। जब जब राहुल जी ने कुछ भी कहा, एक मिनट बीच में मत बोलो ना, ये क्या है ये बीच में बोल रही है। उनको पूरा करने दीजिए प्लीज, पूरा करने दीजिए, मुझे रागिनी जी के पास जाना है। गौरव भाटिया, तुम्हें बिल्कुल पच नहीं रहा ना हमारा कांग्रेस के साथ रहना, लेकिन तुमको गिरा के ही रहेंगे हम। तुम्हारा तो हिसाब करना ही है। अच्छा नहीं लगता है, सुनिए ना तिवारी जी, अच्छा नहीं लगता है तू तड़ाक करना, तुमको तड़ाक करना। मैं बस ये पूछ रही हूँ सर कि राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर के बारे में बोला उसके बाद एक कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं है मतलब स्वीकार्य है ना आपके नेता को, इस पर जवाब। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म के अंदर अगर हमारे आराध्य है सावरकर तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए, सनातन धर्म का अपमान भी गठबंधन के साथियों ने नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए हम ट्यूटोरियल इसके लिए ट्यूटोरियल नहीं लेंगे, हम ट्यूटोरियल नहीं लेंगे। जल्दी से रागिनी जी, अंजना जी आप सुन पा रही? हाँ आ रही आवाज आ रही है। हाँ अंजना जी देखिए, ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद 50 दिन के भीतर काला धन वापस नहीं आ जाता तो मुझे चौराहे पर खड़े करके जूता मारना। भाई हमने तो किसी डिबेट पर नहीं पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी को जूते मारे गए चौराहे में। तो इसीलिए ये जूता चप्पल इस तरीके की बातें करना, अपने विरोधियों के लिए अपशब्द बोलना, आप कितना भी मातोश्री पिताश्री करते रहें, जनता महाराष्ट्र में आपको नानी याद दिलाने वाली है। अब मैं एक बात जल्दी से अंजना जी बोलना चाहती हूँ, देखिए आपने हरियाणा का ब्रेकअप दिखाया तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के ब्रेकअप के बारे में भी बात जरूर करनी चाहिए। और साफ साफ ये पता चलता है कि डबल डिजिट में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई, 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 19 सीटें हार गई, वहीं कांग्रेस पार्टी केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीती। जीती तो सारे लोगों ने मिलकर वोट दिया ना, एकजुट होकर वोट दिया, इसीलिए हमने दोनों ही राज्यों में लोकसभा विधानसभा के नतीजे अलग अलग दिखाए और वोट परसेंटेज दिखाया था, क्योंकि जहां जहां पर
बंटवारा कम हुआ, जाति के आधार पर वोटिंग कम हुई, बटा कम वोट वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ, यही दिखाने के लिए हमने नंबर्स दिखाए थे।